हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 10th SST में हिस्ट्री से है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है कि जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में किस तरह से आपका स्टार्ट हुआ और किस तरह से वहाँ से वो दूसरी कंट्रीज़ में वो फैला। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हुए हमें जो फर्स्ट पेज दिखता है उसमें हमें पेंटिंग दिखने के लिए मिलती है। नाउ दिस पेंटिंग वाज वन ऑफ द फोर पेंटिंग्स दैट वाज मेड बाय फ्रेडरिक सोरियो। नाउ फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट जिन्होंने नेशनलिज्म को लेकर अपनी फोर सीरीज की एक पेंटिंग बनाई। ओके, नाउ ये पेंटिंग जो थी उनकी, द पेंटिंग डिस्क्राइब्स अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ओके, डेमोक्रेटिक मतलब एक फ्रीडम टू एक्सप्रेस यहाँ पे रहेगा, सोशल रिपब्लिक मतलब कि ये जहाँ पर आपका डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा कम हो। इसके बारे में हम डेप्थ में जाएंगे, व्हाट इज डेमोक्रेटिक, व्हाट इज रिपब्लिक, बट अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें इस पेंटिंग में क्या कहा जा रहा है आपको, पहले उसको हम थियोरेटिकली पढ़ेंगे फिर हम पिक्चर से उसको देखेंगे। नाउ द फर्स्ट प्रिंट जो हमें गिवन है इज अ सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका विच आर मैन एंड वुमेन बोथ of all ages and of all social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. Okay, so यहाँ पर जो अमेरिका और यूरोप के, अमेरिका यहाँ पर एज अ कॉन्टिनेंट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, यूरोप भी हम एज अ कॉन्टिनेंट लेके चल रहे हैं, तो यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, मैन एंड वुमेन बहुत ऑफ ऑल एजेस, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपकी वुमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे वो डिफरेंट सोशल क्लास के, वो मार्च कर रहे हैं, वो चल रहे हैं किस तरफ, दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। ठीक है, एज दे वुड रिकॉल आर्टिस्ट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड आपका लिबर्टी। अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, तो ये एक फीमेल फिगर है यहाँ पर जो कि हमें आपका एनलाइनमेंट के बारे में बताती है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बता दें जो पेंटिंग में गिवन है, नाउ दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, येल्लो जो हम यहाँ पर आपको कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर येल्लो जो हम ये कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नाउ याद रखने वाली चीज़ है, इसके इनके एक हाथ पे अगर हम आपको बताएं, नाउ ये है आपका चार्टर ऑफ द ह्यूमन राइट इधर। ठीक है, एंड दिस इज़ अ टॉर्च ऑफ इनलाइनमेंट। नाउ इन दोनों का ही अलग अलग मतलब है। जो ये चार्टर है ये बेसिकली आपको दिखाता है यहाँ पर कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या होने चाहिए जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला था, और ये जो टॉर्च है ये हमें इनलाइनमेंट मतलब एक हमें एक नई दिशा देने वाली, नई डायरेक्शन देने वाली आपकी यहाँ पे बताती है। सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आपके डिफरेंट डिफरेंट लोग जो कहाँ के थे, दे आर फ्रॉम द यूरोप एंड अमेरिका, चाहे वो मैन हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मैन मेल हो, वो डिफरेंट डिफरेंट एज के थे, एंड दे मार्चिंग टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द पीपल ऑफ अमेरिका एंड द पीपल ऑफ यूरोप। समझ में आया आपको ये चीज़? ठीक है, किसने बनाई थी ये पेंटिंग? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी ये पेंटिंग। ओके, और कब बनाई थी ये भी हम आपको बता दें, 1848 में इन्होंने ये पेंटिंग आपकी बनाई थी। एक पेंटिंग थी ये? नहीं, ये आपकी फोर पेंटिंग्स थी। पेंटिंग कब बनाई थी इन्होंने? 1848 में फ्रेडरिक सोरियो विच वॉज जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने फोर सीरीज की एक पेंटिंग बनाई जहाँ पर आपके डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में बताया गया था। समझ में आया आपको? यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ अमेरिका और यूरोप के लोग जा रहे थे, चाहे वो जेंडर उनका कोई भी था, चाहे एज उनकी कोई भी थी, चाहे वो क्लास उनकी कोई भी थी, एंड दे मार्चिंग टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब याद रखना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में, जो एक हाथ था उसका, वहाँ पर उनके टॉर्च ऑफ इनलाइनमेंट थी। ओके, टॉर्च, आपने अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखा जो न्यूयॉर्क में खड़ी है, तो उसके एक हाथ में टॉर्च होती है, ठीक है, मशाल होती है, वो आपकी इनलाइनमेंट की टॉर्च होती है ताकि एक नई चीज़ हमें रोशनी बन सके किसी काम की। दूसरे हाथ में था उनके चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन, मतलब जो एक ह्यूमन राइट हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आए थे, वो चार्टर वहाँ पे आपका उनके हाथ में था। तो उससे भी हमें पता लगता था कि किस तरह से आपके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने वाले, तो लोग उसकी तरफ जा रहे थे। अच्छा, लोग दूर किससे जा रहे होंगे उसके बारे में बताएंगे, मोनार्की से वैसे लोग दूर जा रहे थे यहाँ पे, अगर हम आपको बताएं। ठीक है, नाउ ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। नाउ एब्सोल्यूट, अगर हम एब्सोल्यूटिस्ट की बात करें, तो एब्सोल्यूटिस्ट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे नो रिस्ट्रेंट्स हों, मतलब कि आपका एक ऐसी आपकी मोनार्किकल गवर्नमेंट के बारे में बात करती हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड होती है, मिलिटराइज्ड होती है, जो लोगों को बात करने नहीं देती, बोलने नहीं देती, एक्सप्रेस करने नहीं देती। तो उस गवर्नमेंट से दूर जा रहे हैं वो लोग, शैटर कर रहे हैं उसकी इमेज को।
सही है। तो ये सूर्यो का एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन मतलब जहाँ पे आपके सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई चीज़ आपकी गलत नहीं होगी, तो वो आपका यूटोपियन विजन में आ जाएगा। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे आपकी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है, जहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होती है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे फ्रेडरिक सूर्यो ने अपने यूटोपियन विजन के थ्रू एक आपने पेंटिंग बनाई थी, चार सीरीज की पेंटिंग बनाई थी। कब बनाई थी? 1848 में बनाई थी, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट, जहाँ पे अमेरिका और यूरोप के लोग जा रहे थे किसकी तरफ? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, जिसके एक हाथ में द चार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट था और दूसरे हाथ में आपके टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट थी। समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है, अब यहां पे बात करें अगर आपके कि लोग कौन कौन सी कंट्री के थे वहां पे। यूएस के लीडिंग द प्रोसेशन वे द पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड बेसिकली आपका यहाँ पे अगर हम दिखा सकते हैं, नहीं फ्लैग यहाँ पे कहीं हमें विजिबल नहीं है स्विट्जरलैंड का, रेड कलर का फ्लैग होता है, व्हाइट कलर का छोटा सा क्रॉस होता है उसके अंदर, वो और अमेरिका के लोग, वो तो पहले ही यहाँ पे आ चुके हैं, वो तो नेशन स्टेट बन। अगर हम 1848 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका तब तक नेशन स्टेट बन चुके थे, वो एक नेशन थे, ठीक है, वो कंट्री थे एक, यहाँ मोनार्की वगैरह नहीं थी वहाँ पे, राजा रूल नहीं कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है, एक मोनार्की सिस्टम नहीं था वहाँ पे, वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक थी या फिर एक रिपब्लिक हम वहाँ पे कह सकते हैं, एटलीस्ट अगर डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते तो दो कंट्री अगर इसने बताई हैं तब तक पहुँच चुकी थी वहाँ पे, दैट आर स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। ओके, बाय दिस टाइम वर द नेशन स्टेट्स। फ्रांस के बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं, फ्रांस को हम यहाँ पे ट्राई कलर से पहचान सकते हैं। वो कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका हो चुका है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमें बताया था रेड वाइट एंड ब्लू, ये तीन कलर का वहाँ पे ट्राई कलर बना गया था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी एक प्रतीक माना जाता है, तो वो लोग कैरी कर रहे हैं। दिखाएं हम आपको कैसे, देखिए जरा पिक्चर की तरफ अगर हम एक बार देखें, नाउ दिस फ्लैग बेसिकली अगर इस फ्लैग को लेके चलें, या फिर यहाँ पे ये वाला फ्लैग देख लीजिए, ये वाला जनरली अगर हम दूसरे वाला फ्लैग देखें, वो तो थोड़ा वैसे भी हमें इटालियन फ्लैग लग रहा है, ये वाला फ्लैग आपका फ्रेंच फ्लैग है आपका, दिख रहा है आपको ये वाला फ्लैग? ठीक है, अगर हम आपको दोबारा से दिखा दें यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला जो बिल्कुल अल्टीमेट आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में है ना, ये वाला फ्लैग आपका फ्रेंच फ्लैग था। तो फ्रेंच फ्लैग को हम ट्राई कलर से देख सकते हैं वहाँ पे, कि वो भी आपका उनके पीछे पीछे आपका था। इट हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, वो लोग स्टैचू को पहुंच चुके हैं, स्टैचू तक वो जा चुके हैं, यूएस के लोग बन चुके हैं नेशन स्टेट, स्विट्जरलैंड के पहुंचे हैं, आपके फ्रांस के भी बनने वाले हैं लगभग, वो बन ही चुके हैं। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, वो ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग से वहाँ पे हैं, वो उनके पीछे पीछे जो फ्लैग चल रहा था आपका अभी हमने देखा, दिखा देते हैं एक बार, नाउ दिस फ्लैग, ये आपका जर्मनी का फ्लैग है आपका, ठीक है ना, जर्मनी का फ्लैग है आपका, ठीक है, जर्मनी का भी थोड़ा फ्लैग चेंज हो गया, बेल्जियम जैसा फ्लैग बन रहा है आपका, बट अभी हम जर्मनी का ही लेके चलते हैं इसको। इंटरेस्टिंग, एट दिस टाइम सोवियर क्रिएटेड द जर्मन इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन, मतलब तब तक हम फ्रांस को एज अ नेशन देख रहे थे, यूएसए को एज अ नेशन देख रहे थे, हम स्विट्जरलैंड को एज अ नेशन देख, लेकिन जर्मनी तब एज अ, जर्मनी के लोग उसको एज अ नेशन स्टेट नहीं देखते थे, फिर भी फ्रेडरिक सूर्यो ने अपनी पेंटिंग के थ्रू जर्मनी को एज अ नेशन दिखाया है, जिससे वहाँ पे एक होप बनी कि वहाँ पे 1848 में एक होप बनी कि आपके यूनिफाई जर्मनी स्पीकिंग जो प्रिंसिपैलिटीज थी उनके थ्रू नेशन स्टेट की एक होप उन्होंने दिखाई है फ्रेडरिक सूर्यो ने अपनी पेंटिंग के थ्रू, किसके अंडर? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की ही पेंटिंग थी। समझ में आपको? फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी। नाउ इस अगर हम बात करें सिसिलीज की और लोम्बार्डी की, ये आपके दोनों ही आपके इटालियन स्टेट्स थे उस टाइम पे, इन्होंने दोनों को इस वक्त अलग अलग दिखाया, बाद में दोनों आपके एक हो जाने वाले। पोलैंड के पीपल थे, ठीक है, पोलैंड तब उस वक्त आपके रशिया के अंडर में था। समझ में आ रहा है आपको बात? तब तक उसको नेशन स्टेट की तरह नहीं देखा जा रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको नेशन स्टेट दिखाया था। इंग्लैंड के पीपल थे, आयरलैंड के थे, हंगरी भी उस वक्त आपका ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर एक था उसके अंडर था, एंड रशिया ऑल्सो वॉज देयर। ओके, नाउ इस पेंटिंग की अगर एक खास बात कहें, उस वक्त के लोग ये कहते थे कि नहीं, जो राजा है वो आपके जो भगवान है वो ही राजा को भेजते हैं, लेकिन इस पेंटिंग में जब लोग मार्च कर रहे हैं किसकी तरफ? पेंटिंग की तरफ ये मार्च कर रहे हैं लोग, तो उनके ऊपर यहाँ पे जीसस क्राइस्ट दिखाए हुए हैं, डिफरेंट यहाँ पे फेरीज दिखाई हुई हैं आपको, जो लोगों को ब्लेस कर रही हैं। तो वो ब्लेसिंग किसके लिए दे रही हैं उनको? कि वो जो लोग काम कर रहे हैं, लोग वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको क्या मिल रही हैं? ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। समझ में आया आपको? तो ये ब्लेसिंग्स दिखाती हैं कि इवन द गॉड वर इन फेवर ऑफ द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू ऑफ देयर नेशन फॉर देयर नेशन स्टेट। समझ में आपको ये चीज? ठीक है, नेशन स्टेट के लिए लोगों के लिए फेरीज भी उनका वेलकम कर रही थी।
समझ में आया? ठीक है, आगे द चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज बाय द सूर्यो, सूर्यो के थ्रू जो आपके विजुअलाइज किए थे उनके बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द पीपल यूरोप। बिल्कुल चेंज कर दिया नेशनलिज्म से पहले और नेशनलिज्म के बाद। यूरोप का मैप ले लें, यूरोप की मेंटेलिटी ले लें, यूरोप के थॉट्स ले लें, यूरोप की आइडियोलॉजी ले लें, सब बिल्कुल आपका चेंज हो गया था। द एंड रिजल्ट ऑफ चेंज वॉज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट, नेशन स्टेट बन के आए आपके वहाँ पे, और जो कि आपके धीरे धीरे आज जो हम मॉडर्न स्टेट देते हैं वो किस शेप में आपके बने हैं उसके बारे में पूरे हम चैप्टर में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच इज सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेजन कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, इसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, जहाँ पे एक डिफाइंड टेरिटरी हो आपकी और एक कंट्रोल रहे आपका। ओके, हैड बीन डेवलपिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द यूरोप, ठीक है। बट नेशन स्टेट वॉज वन इन विच मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो, अगर हम किसी भी देश की बात करते हैं, अगर हम लेट्स सपोज अपनी कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में हमारे बीच में कॉमन आइडेंटिटी है, वी ऑल आर नोन एज अ इंडियन। तो इंडिया में हमारे पास है कॉमन आइडेंटिटी, हमारी लैंग्वेज अलग होगी, रिलीजन अलग होगा, कास्ट अलग होगा, हमारी आइडियोलॉजी, थिंकिंग, कस्टम्स, सब चीज़ अलग होंगी, लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारी कॉमन है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वी ऑल आर इंडियन। तो नेशन स्टेट के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, हम एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर करें और कॉमन हमारा डिसेंट हो, ये चीज़ भी एक नेशन स्टेट में होती ही होती है। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री का शेयर करते हैं, वी ऑल आर कॉलोनाइज बाय द ब्रिटिश पीपल, बिफोर दैट वी ऑल आर कॉलोनाइज बाय द मुगल एम्पायर्स, वो हम यहाँ पे आपका कह सकते हैं। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमर्शली एंड वी हैव फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ द लीडर्स एंड कॉमन पीपल। इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से आपका स्ट्रगल्स हुए आपके नेशन स्टेट्स को लेकर। ठीक है, नाउ द चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच द नेशन स्टेट एंड द नेशनलिज्म केम इन टू बींग इन 19th सेंचुरीज में, आपके किस तरह से आपके नेशन स्टेट्स आपके बने हैं, समझ में आए आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट अगर हम बात करें सब यूनिट ऑफ द चैप्टर इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहीं से हमारा नेशन का आइडिया आया था। कहाँ से आया था हमारा नेशन का आइडिया? कहाँ से आया था हमारा? फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारा नेशन का आइडिया आपका आया था। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे ही नेशन स्टेट या फिर नेशन के बारे में हमें एक आइडिया लग जाता है। फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क। कौन थे वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्क? लुईस 16, बोरबोन किंग। याद है आपको उस चीज का? 9th क्लास में मैंने पढ़ा होगा। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन। और यहां पे जो सोवरेनिटी थी मोनार्की की, उसके बाद वो फ्रेंच सिटीजन के पास वो पावर चली गई थी। किसके बाद? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, नाउ आगे देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब हमने बताया है अगर कोई नेशन स्टेट हम बनाने की कोशिश करें तो एक आइडेंटिटी कॉमन होनी चाहिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए। जैसे हमने इंडिया का एग्जाम्पल है, इंडियन है कि नहीं है? ठीक है, जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको लेके चलते हैं इसमें, जैसे हम जापान कंट्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे लोग जापानीज लैंग्वेज बोलते हैं, तो दे ऑल आर नोन एज जापानीज पीपल, और उसी उन्हीं के कंट्री को हमने जापान कहा है। इंडिया में हम लैंग्वेज को हम एज अपने कलेक्टिव आइडेंटिटी ना देखकर हम अपनी सिटीजनशिप को देखते हैं। ठीक है, अभी सिटीजनशिप नाम की चीज़ आई कहाँ से? ये भी हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें तो दो चीज़ें मिली हैं जो कि एक नेशन स्टेट के बनने में सबसे ज़्यादा आपके फायदेमंद होती हैं, वो है ला पैट्री और ला सिटियन। ला पैट्री मतलब फादरलैंड। हम एक कॉमन आइडेंटिटी के थ्रू एक लैंड को, एक टेरिटरी को, एक इमोशनल एक अटैचमेंट हमने दे दिया गया था। ला पैट्री फादरलैंड कहा गया था, और साथ में सारे के सारे लोगों को ले सिटियन हमारा कहा गया था। यहाँ पर अब ये बात क्यों हुई? जो सिटियन थे, जो सिटीजन थे वहाँ पे, दे ऑल वर एंजॉइंग द इक्वल राइट्स। समझ में आई बात आपको? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोनार्क के अंडर नहीं थे, वो किसके अंदर थे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर थे और इक्वल राइट्स थे। तो इसी के थ्रू वहाँ पे नेशन स्टेट बनने स्टार्ट हुए। अगर हम बताएं कि फ्रांस में ऐसी और क्या चीज़ें थी जो नेशन स्टेट को आइडेंटिफाई कराती हैं, वहाँ का फ्रेंच फ्लैग जो हमने बताया था, दैट इज़ ब्लू वाइट एंड रेड, द ट्राई कलर जिसके बारे में बात कर चुके हैं, वहाँ पे उसमें सूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड।
उससे पहले वहाँ पे एक रॉयल स्टैंडर्ड आपकी मोहर वगैरह होती थी, तो उसका कुछ आपका चिन्ह वगैरह लगा रहता था आपके फ्रांस के फ्लैग में। फ्रांस तो हम कह ही नहीं सकते उस वक्त मोनार्की के फ्लैग पर, लेकिन जो बाद में ट्राई कलर से आपका चेंज कर दिया गया। दो ई स्टेट थी आपकी, वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स एंड रिडीम्ड एज ए नेशनल असेंबली। और नेशनल, अब इसके बाद क्या हुआ, जो स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल मतलब कि जहाँ पे आपके सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे कि कंट्री में क्या होने वाला है। शायद आपको याद हो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो स्टेट जनरल में ही हुआ था, जब लुई 16 ने आपके टैक्सेस को बढ़ा दिया गया था। तो वहाँ पे जो आपके डिफरेंट डिफरेंट सिटीजन्स थे, जो कि हमने थ्री स्टेट पढ़े होंगे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने वहाँ पे आपकी लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण उनकी फ्रेंच नाम का एक देश वहाँ पे उन्होंने बनाया था फ्रॉम द मोनार्की। सही है बात। अब यहाँ पे उन्होंने स्टेट जनरल को अब नेशनल असेंबली कहने लगा, और जो आपके जो एक्टिव सिटीजन्स थे, क्या थे जो आपके एक्टिव सिटीजन्स, वो ही यहाँ पर उसको इलेक्ट करते थे। ओके, द न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड और टेकन मार्टियस कमेंटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और सबको सब यहाँ पे नेशन को लेकर ही थे, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि अगर ओथ भी ली जा रही, कोई कसम ली जा रही, कोई भी शपथ ली जाती है हमारी, वो नेशन को लेकर दी गई है, वो आपके किसी मोनार्क को लेकर नहीं दी गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी आ गई थी। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस एंड इज फॉर्मेटेड यूनिफॉर्म लॉ। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारी यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन्स, सबके लिए सेम लॉज बना दिए गए थे। इससे ही हमारा रेवोल्यूशन आया, इससे ही नेशनलिज्म और ज़्यादा आपका डेप्थ में जाता चला गया। इंटरनल कॉस्ट्यूम्स, ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज, तो कस्टम ड्यूटीज थी, मतलब कि सॉरी कस्टम नहीं था, वो कस्टम ड्यूटीज था आपका। तो कस्टम ड्यूटीज वो होती हैं जो कि टैक्सेस आपके लिए जाते हैं आपके, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह में अगर कोई बिजनेस करते हैं। ड्यूज आपके वही होते हैं जो कि गवर्नमेंट हमें, जैसे हमारा लगान होता है, वो सब चीज़ आपके एबोलिश कर दिए गए थे। अब यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर द वेट्स एंड मेजर्स वो अडॉप्ट कर दिया गया था, मतलब एक किलो अगर, मतलब आपका एक, अगर हम बात करें अभी हम 1 kg का बाट लेके चलें, अगर हम जो वेट होता है तो उसकी वैल्यू हम कहीं भी घूम लें वो सेम होती है। लेकिन पहले क्या होती थी, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो अगर मोनार्क अलग अलग रूल कर रहा है तो वो अलग था, कहीं पे 1 kg का बाट आपको ज़्यादा भारी मिलेगा, कहीं पे हल्का मिलेगा। समझ में आई आपको बात? तो क्योंकि उन्होंने नाम दिया हुआ था बस इसको 1 kg, 1 kg नहीं था बल्कि अलग नाम था वहाँ पे, बट यूनिफॉर्म नहीं था वो वेट। इवन द फॉर द मेजरमेंट भी आपके अलग अलग आपका, इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। ओके, द रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। उससे क्या हुआ, आपका जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो लोगों में एक और सेकेंड कॉमन आइडेंटिटी बन के आ जाए, इसीलिए उन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया। एंड जो फ्रेंच लैंग्वेज आई, कौन सी लैंग्वेज थी जो कि हमारी बोली जाती थी और लिखी जाती थी पेरिस में, उसी को उन्होंने कॉमन लैंग्वेज फॉर द नेशन एज अ अडॉप्ट कर लिया। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज अ मिशन ऑन द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप। और अब ये होता है ना कि लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे अमेरिका के बारे में हमने सुना होगा कि वो दूसरी कंट्री पे अटैक करती है उनको डेमोक्रेसी देने के लिए, सुना है आपने इस चीज़ के बारे में कि कहीं पे भी कोई मोनार्क वगैरह बैठ जाता है, कोई डिक्टेटर वगैरह आ जाता है, तो अमेरिका की जो आर्मी होती है वो अटैक करती है कि टू प्रोवाइड देम द डेमोक्रेसी। तो यही वहाँ पे एक तरीके से मान लेता फ्रेंच लोगों ने कि भाई हमारे यहाँ अगर नेशनलिज्म आ गया है ना, तो यही हमें भी दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज थे, दूसरे यूरोपियन जो मोनार्कीज थी, वहाँ पे भी लोगों को लिबरेट करना है और उनको भी हमें नेशन स्टेट्स बनाना है। When the news of the events in French reached the different cities of Europe, student and the other member of the educated middle class began setting the Jacobian Club. Now, Jacobian Club, आपको याद होगा, ये वो क्लब है ये जिसने लुई 16 के अगेंस्ट आपका स्ट्रगल किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका एक बहुत बड़ा मेजर रोल था, जिसके आपके जिसी के स्ट्रगल के बाद फ्रांस नाम की कंट्री बनी। The activity and the campaigns prepared by the French armies were moved into the Holland, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच मोर ऑफ द इटली। 1790s तक वो धीरे धीरे आपका पहुंचना स्टार्ट हो गया। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन वाज द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडियाज नेशनल अब्रॉड। अब क्या हुआ कि जो फ्रेंच आर्मी थी वो अपने साथ साथ आपके उस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को दूसरी कंट्री में ले जाने लगी। ये आपको जो गिवन है मैप, इसके बारे में आते हैं थोड़ी देर में, पहले हम आगे बढ़ते हैं। नाउ विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ द टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन। नेपोलियन कौन था आपका, वही जो स्टेट था आपका जो कि आपकी नेशनल असेंबली बना दी गई थी, उसमें हम जैकोबियन क्लब के द्वारा कोई एक पर्सन इलेक्ट होता था एज अ हेड ऑफ द कंट्री, तो वहां पे नेपोलियन को एज अ हेड ऑफ द कंट्री बनाया गया था। तो यहाँ पे नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट इनका पूरा नाम था, सेट अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। दो अ रिटर्न ऑफ द मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट एस्टोर डेमोक्रेसी इन द फ्रांस। अच्छा, इस लाइन का मतलब एक बार हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए, नेपोलियन को चूज आपका डेमोक्रेसी के थ्रू ही किया गया था, लेकिन नेपोलियन ने बाद में अपने आप को एज अ मोनार्क एस्टेब्लिश कर लिया। समझे आप? नहीं,
नहीं समझे, तो नेपोलियन इलेक्ट करके बना वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, कुछ भी मान लीजिए आप वहाँ पे, बाद में उसने अपने आपको लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना लिया, समझे बात आप, तो वो उसने डेमोक्रेसी को वहाँ पे एंड कर दिया। लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने कुछ ऐसे चेंजेस लेके आया है जो बहुत रिवोल्यूशनरी थे, जिसने बिल्कुल चेंज कर दिया। वो कौन कौन से थे, एक था आपका सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। अब ये कोड कुछ इंपॉर्टेंट होगा, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये हमारा ये कह रहा है कि इसके बाद जैसे ही आपका सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड लगाया गया, इसने जितने भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ वो सारे के सारे छीन लिए गए। मतलब राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, वही वाली चीज़ होगी आपके यहाँ पे, समझ में आई आपको बात। और अगर कोई प्रीस्ट है तो प्रीस्ट का लड़का प्रीस्ट नहीं बनने वाला है आपका, जो यहाँ पे जिसमें क्वालिटी होगी उस चीज़ की, जिसमें एक जॉब की क्वालिटी होगी उसी को वो जॉब दी जाएगी। इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ वाली बात आ गई कि मतलब अगर चाहे राजा मर्डर कर रहा है या फिर कोई दूसरा बंदा, राजा तो होगा ही नहीं खैर वहाँ पे, कोई दूसरा कोई बड़ा अमीर बंदा मर्डर कर रहा है, छोटा बंदा मर्डर कर रहा है, तो दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। एंड ऑल्सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, दे सिक्योर द राइट टू द प्रॉपर्टी। अब उससे पहले केवल चर्चिस और जो मोनार्क्स थे, जो राजा थे, जो वो ही आपकी प्रॉपर्टी रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे सिविल कोड ऑफ 1804 के बाद जो यहाँ पे तीन चीज़ें हुई, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ को यहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया, इन्होंने इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश किया एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। द कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजंस अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। अब क्या हुआ, जैसे नेपोलियन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग लीडर बनता लगा, क्योंकि लोगों को ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए ना, इनसे लोग खुश हुए, तो लोगों ने उसके प्रति वफादारी दिखाई, जिससे जो नेपोलियन की आर्मी थी वो स्ट्रांग होती चली गई और उसने अपने आसपास की टेरिटरी को जीतना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से जो कोर्ट था आपका, वो आपके डच रिपब्लिक जो कि नेदरलैंड वगैरह है वहाँ तक, और स्विट्जरलैंड, देन आपका फिर वो इटली और देन जर्मनी तक, वो आपके उसके जो नेशनलिज्म या फिर सिविल कोड वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो चली गई। अब इसके बाद क्या होता था, उन जो रीजन के जो लोग होते थे ना, वो सोचते थे अरे यार हमारे यहाँ भी सिविल कोड होना चाहिए, हमारे यहाँ तो केवल जो प्रॉपर्टी का राइट ही कोई नहीं है हमारे पास। दूसरा वो सोचते थे हम इक्वल ही नहीं है, केवल राजा अगर कुछ भी काम करे तो राजा को कोई पनिशमेंट ही नहीं मिलती है। साथ में वो एक और चीज़ सोचते थे कि यहाँ पे जो एक प्रिविलेजेस मिलते थे बेस्ड ऑन बर्थ, देखिए कॉमन पीपल सबसे ज़्यादा होते हैं, जो अगर हम इलाइट क्लास की बात करें, सबसे अमीर लोगों की बात करें, वो हर किसी भी रीजन में सबसे कम होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे थी। तो इलाइट क्लास कम थी और बाकी लोग सोचते थे नहीं हमारे यहाँ भी ये रूल होना चाहिए नेपोलियन कोड के जैसा जैसा। तो यहां पे नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फायर्ड एंड फ्रीड प्रिजंस फ्रॉम द सेफर्डम एंड द मैनुअल ड्यूज। तो ड्यूज जो थे, लगान वगैरह जो होते थे, वो उनसे उन्हें रिमूव करते चला गया। नाउ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इसने इंप्रूव कर दिया गया था, और साथ में इसने दूसरे लोगों को, देखिए इसने फायदा बहुत ज्यादा पहुंचाया लोगों को, बहुत ज़्यादा इसने फ़ायदा पहुँचाया, जिसके कारण ही लोगों ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। बिजनेसमैन को इसने फ़ायदा पहुँचाया, इसने लोगों को यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करें टैक्सेस वगैरह की, तो टैक्सेस वगैरह इसने इक्वलाइज कर दिए, तो कम टैक्स देने पड़ते थे लोगों को। साथ में इसने जो मेजरमेंट वगैरह की जो, या फिर वेट्स जो थे, उसने स्टैंडर्ड बना दिया उनका, करेंसी को इसने डेवलप किया। और तो उससे क्या हुआ, बिजनेसमैन लोग खुश हो गए, सब लोगों को पैसा कमाना लोगों के लिए ईजी चांस आपका बन गया था। ठीक है, अभी हमने वो मैप छोड़ा आपका पिछले वाला, और साथ साथ में हम ये वाली आपकी जो पेंटिंग थी इसको छोड़ रहे हैं। अभी बता दें, हाउ इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शन द लोकल पॉपुलेशन फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब जो फ्रेंच पीपल जो जिन कंट्रीज के ऊपर आपका अभी अटैक करके जीत रहे थे, उनमें थोड़ा मिक्स था। वो कैसे, स्टार्टिंग में तो आपका क्या हुआ, जब नेपोलियन की आर्मी आई तो लोगों ने इसको वेलकम किया, कहाँ कहाँ के लोगों ने, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, मेंस जो कि इटली में है, मिलान, और आपका वर्षा जो पोलैंड में है, यहाँ के लोगों ने आपका वेलकम किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब नेपोलियन के बाद में पता चला उनको कि अरे नेपोलियन आ तो गया है, हमने तो उसको एक पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए बुलाया था, लेकिन वो पॉलिटिकल फ्रीडम ही नेपोलियन ने हमें देना बंद कर दिया है। बाद में उसने टैक्सेशन में इंक्रीजमेंट लाया, बाद में सेंसरशिप लगा दी, फोर्स आपकी कॉन्सर्पेशन हुआ इनटू द फ्रेंच आर्मी, मतलब लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में डाल दिया जाता था। तो वो सब होने के कारण उनको बाद में लगा कि नहीं ये भी वैसा ही है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक चेंजेस तो लाए हैं आपके नेपोलियन ने यहाँ पे, वो हमें सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम आपके यहाँ पे, जो सेकंड सब यूनिट है, दैट इज द मेकिंग ऑफ द नेशंस इन यूरोप। ओके, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट नो नेशन स्टेट। तो मिड 18th सेंचुरी की अगर हम 1750s के अराउंड बात कर रहे हैं आपके, तो कोई यहाँ पे कोई नेशन नहीं था यूरोप में, पूरे यूरोप में कोई नेशन नहीं था। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, वो आपके किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डिफरेंट आपके मोनार्की के अंदर आते थे, एक मोनार्की के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज बोली जा रही है, एक लैंग्वेज डिफरेंट मोनार्की में बोली जा रही है। तो यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं था,
समझ में आई आपको बात? तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह से यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि खास करके द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, और वो आपके डाइवर्स पीपल थे, अलग अलग तरह की लैंग्वेज, अलग अलग तरह के कल्चर बोला जाता था, कोई कॉमन आइडेंटिटी उन लोगों की नहीं थी। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर द ऑस्ट्रियन हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क फॉर मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड द पीपल, इट इंक्लूड द अल्पाई रीजन, मतलब यहाँ पे टायरोल आपका हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, सदरलैंड हो गया, ये सब के सब पे आपका अलग मतलब डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कस्टम्स हैं, लोग सेम रूल कर रहे हैं, तो कोई आपका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वो मैगर लैंग्वेज मैगर डायलेक्ट बोलती थी, बाकी आपके डिफरेंट डायलेक्ट बोले जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं लगती। इन गैलिसिया ये भी आपका एक इटालियन वो था, द आर्टिस्ट स्पोक द पोलिश, बिसाइड द थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स दे ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर, मतलब वापस वही चीज़ है आपकी, अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में एक ही मोनार्की में, तो वहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी नहीं बन पा रही। तो नेशन स्टेट बने तो बने कैसे, वो चीज़ आपकी बात आई। अब आपकी आती है आगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। अब याद रखिएगा चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चाहे कोई भी बड़ा रेवोल्यूशन हो, मिडिल क्लास आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा। समझ में आया जी? तो सोशल एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक वाज अ डोमिनेंट क्लास ओके ऑफ द कॉन्टिनेंट, द मेंबर ऑफ द क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वेल्थ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन, दे ओन्ड एस्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो द टाउन हाउस, दे स्पोक फ्रेंच। यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंच के बारे में बता चुके थे आपने, पॉलिटिकल साइंस में बताया फ्रेंच को एक इलाइट क्लास की लैंग्वेज समझा जाता था उस टाइम पे। द फैमिलीज वर ओफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ द मैरिज, मतलब यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी आपकी पूरे यूरोप की, वो उनके जो राजा थे एक दूसरे के, मतलब आपके एक मोनार्क ने दूसरी मोनार्क के में डॉटर से शादी करी है, उस मोनार्क ने किसी दूसरी की डॉटर की शादी करी है, तो कुछ इस तरह से आपका एक बना हुआ था कि एक सिस्टम बना हुआ था कि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। द पावरफुल एरिस्टोक्रेटी वॉज हाउएवर द न्यूमेरिकली अ स्मॉल, लेकिन भाई आपके राजा तो राजा ही होंगे ना, कम होंगे ना, द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड पीजेंट्री, तो पीजेंट्री जो किसान थे वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में वहां पे थे, और टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स, व्हाइल द ईस्ट में आपके यहां पे लैंड होल्डिंग वाज कैटर बाय द वेस्ट आपके कल्टीवेटेड बाय द सर्व्स। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीजेंट्स थे, ये पीजेंट्स आपके यहाँ पे बताए गए, अगर आपके इस रीजन में टू वेस्ट में आपकी वो जो टेनेंट्स होते थे या फिर स्मॉल ओनर्स होते थे वो उसको आपके कल्टीवेट किया करते थे, वाइल अगर हम सेंट्रल की बात करें और ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे आपका जो दूसरे एरियाज थे वहाँ पे आपका डिफरेंट हो गया। ठीक है, आगे देख रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, अगर हम आपको बता दें एक बार के लिए दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये पूरा आपका नहीं, ज़रा भी इंपॉर्टेंट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इन द वेस्टर्न एंड द पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन धीरे धीरे आपकी बढ़नी स्टार्ट हो गई, लोगों ने गांव से शहर की तरफ आना स्टार्ट कर गया। यहाँ पे द इंडस्ट्रियल बिगन इन द इंग्लैंड, धीरे धीरे वो आपके वहाँ से बढ़ता हुआ आपके फ्रांस में गया, देन वो जर्मनी की तरफ आपका चला गया। इन द वे न्यू सोशल ग्रुप आपका बनने स्टार्ट हो, जो सोशल ग्रुप था ये वर्किंग क्लास थी, ये वो मिडिल क्लास थी जो पढ़ना लिखना जानती थी, जो स्किल्ड थी, जो आपका लॉजिक करती थी लोगों किसी भी काम के ऊपर, जो राजा की मोनार्की को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेती थी, वो अपने प्रॉफिट्स को भी देखती थी। समझ में आया आपको यहाँ पे? ओके, नाउ जो यहाँ पे नेशन स्टेट की बात आई, तो जब इनके पास आई द सेंट्रल द ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर टिल 19th सेंचुरी, लेकिन उसके बाद वो पढ़ने लगे, वो लिबरल माइंडेड थे, तो उन्होंने नेशनल यूनिटी नाम की एक चीज़ को लेके आया, जहाँ से वो आइडिया आपका पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। वाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अब लिबरल मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब होता है फ्री। स्टार्टिंग में नेशनलिज्म का मतलब ही ये हुआ करता था लिबरल, यहाँ जहाँ पर राजाओं से उनको छुट्टी मिले, समझ में आई बात आपको, जहाँ पे उन्हें फ्रीडम मिले, तो उसको उन्होंने एक लिबरल नेशनलिज्म की तरह ही नेशनलिज्म को देखना स्टार्ट कर दिया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी तरह से स्टार्ट हुआ था, वो मोनार्की से परेशान आ गए थे, इसलिए उन्होंने एक लिबरलिज्म को फॉलो किया जो जाके उनके नेशन स्टेट तक लेके आया। यट अगर हम बात करें क्या लिबरलिज्म की पूरी बात करें, नहीं नहीं नहीं, याद रखिएगा यहाँ पे जो सफरेज था, जो कि आपका राइट टू वोट था, वो सब लोगों को नहीं मिला था स्टार्टिंग में। याद है आपको फ्रांस में किसे किसे मिला था? स्टार्टिंग में फ्रांस में केवल उन आदमियों को मिला था, औरतों को नहीं, केवल आदमियों को, मेल पॉपुलेशन को मिला था जो एक पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट देती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो आपका चेंज होना स्टार्ट हो गया था। मैन विदाउट द प्रॉपर्टी एंड द ऑल वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राइट टू वोट, इनको हमें वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे। समझ में आई आपको बात? तो यहाँ पर भी अगर हम माने तो यहाँ पर भी आपके पूरा सफरेज नहीं था, लेकिन जो जैकोबियन क्लब था उससे कम ये तो आया कि केवल राजा का रूल नहीं चलेगा, लोग वोट डालेंगे।
धीरे धीरे उस पावर को आपका चेंज करते चले गए और यहाँ पे लिबरलिज्म ने अपने आप शेप को भी चेंज किया। ओके, खासकर अगर हम लिबरलिज्म की बात करें, यहाँ पे आपके टैक्सेस को और ड्यूज को कंट्रोल किया गया, जिससे और लिबरलिज्म को आपके इंपॉर्टेंस मिली और जिसको आपको नेपोलियन के थ्रू ही हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे नेपोलियन के एक रूल की, किस रूल की देखते हैं, यहाँ पे नेपोलियनिज्म क्रिएटेड। अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ जर्मन स्पीकिंग रीजन की, ये जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था जिसके ऊपर नेपोलियन ने अटैक करके अपना रूल बना लिया था, वो 39 कन्फेडरेशंस थी। कितनी थी? 39 कन्फेडरेशन। एंड जहाँ पर अब हर एक की अपनी अपनी करेंसी थी, हर एक के अपने अपने वेट थे, हर एक के अपने अपने मेजरमेंट थे। अगर हम एक छोटे से स्टेट हैम्बर्ग से लेकर नंबरबर्ग की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोगों को 11 कस्टम बैरियर्स तक जाना पड़ेगा, और यहाँ तक कि 11 कस्टम बैरियर्स के साथ साथ उनको वहाँ पर टैक्सेस भी देने पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, 5% ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो लोग कमाएंगे क्या उससे? और यहां तक कि मेजरमेंट भी अलग थे, वेट भी अलग थे। जैसे कि अगर हम बात करें ईले, वहां पे ना एक आपकी यूनिट होती थी मेजरमेंट के लिए, तो कहीं पर तो वो 54.7 सेंटीमीटर के बराबर बैठ रही है, कहीं पर वो 55.1 सेंटीमीटर बैठ रही है, कहीं पर वो 65.6 सेंटीमीटर बैठ रही है, और कहीं पर 53.5 सेंटीमीटर बैठ रही है। तो इससे लोगों में एक कंफ्यूजन था कि वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पाते थे, लेकिन नेपोलियन ने इस चीज को ठीक किया। सच कंडीशन वर व्यूड एज अ ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ फॉर द न्यू कमर्शियल क्लास। जिसके बाद नेपोलियन ने यहाँ पे 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई यहाँ पे, जिसका नाम रखा गया आपका नेपोलियन ने, सॉरी जुल्विरी नाम की कस्टम यूनियन बनाई आपके, विच अ फॉर्म इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया के थ्रू बनाई गई थी, जो कि जर्मन स्टेट्स के अंदर, जिसने ट्रेड बैरियर्स वगैरह कम कर दी गई थी, और करेंसी आपकी जो इतनी सारी करेंसी थी, ओवर 30 से भी ज़्यादा आपकी करेंसी थी, उसको दो करेंसी में आपकी कन्वर्ट कर लिया गया था। समझ में आया आपको ये चीज़? ठीक है, नाउ न्यू कंजर्वेटिज्म एंड आफ्टर 1815। अब ये 1815 वाली क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ओके, सो 1815 में आपका नेपोलियन हार चुका है, अभी डिफीट हुई है आपकी नेपोलियन की, आपकी 1815 में, जो कि हमने यहाँ पे एक मैप भी दिखाया था आपका, शायद यहाँ पे दिखाते हैं। वेट, ये वाला मैप भी अगर हम देखेंगे 1815 के बाद ही है, कांग्रेस ऑफ वियना के, मतलब नेपोलियन के टाइम पर अगर हम देखेंगे तो उसके टाइम पर बहुत कुछ आपका फ्रांस ने जीत लिया था। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस बहुत सब कुछ जीत चुका, लेकिन उसके बाद उससे 1815 में एक हार मिली, और वो हार उसे कैसे मिली, यहाँ पर इधर के जो कुछ आपके लीडर थे यहाँ पे ब्रिटेन के, यहाँ पे रशियन एम्पायर जो था हमारा, समझ में आपको, रशियन एम्पायर जो था हमारा, वो ऑस्ट्रियन एम्पायर जो था हमारा, ठीक है ना, ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, रशियन एम्पायर हो गया, ब्रिटिश एम्पायर हो गया, और प्रुशियन एम्पायर जो कि यहीं पे था जर्मनी वाले कंडीशन में, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना, इधर वाला आपका, ठीक है ना, इन्होंने मिलकर आपके यहाँ पे फ्रांस पे हमला कर दिया, और जिसके बाद फ्रांस को उन्होंने अपने कंट्रोल में लेके आ गए, और उसके बाद आपकी कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ आपके चीज़ें चेंजेस लेके आए थे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, ये फोटो भी इम्पोर्टेंट थी आपकी, कि किस तरह से आपका यहाँ पे वो जब फ्रांस का जो लीडर है नेपोलियन का फोटो बना हुआ है आपका, कि जब वो जीत रहा था तो उसके पास काफ़ी कुछ था, ये वहाँ से बैटल और लिपिजिक की बात है आपकी, कि उसमें हारने के बाद ये उन टेरिटरीज़ के नाम है जिन टेरिटरीज़ को वो लूज़ करता हुआ चला गया था हारते वक्त। समझ में आया आपको? ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ना मैप ना ये। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। नाउ 1815 में वार में नेपोलियन हार गया बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर, तो उसके बाद आपके कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिज्म मतलब बिलीव करता है कि भाई मोनार्की होनी चाहिए, चर्च होना चाहिए, जो सोशल हायरार्की थी वही बनी होनी चाहिए, जो ओल्ड रूल्स थे ना उन्हीं को ये फॉलो अप करते थे। सो यहाँ पे हुआ भी यही आपका, कि इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया, जिन्होंने कलेक्टिवली डिफीट किया था नेपोलियन को, वो वियना में मिले, जिसको वियना कांग्रेस नाम दिया गया था, और यहाँ पे जो ट्रीटी साइन हुई थी उसको ट्रीटी ऑफ वियना भी कहा जाता है। कब हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना? 1815 में। नेपोलियन कब हराया था? 1815 में। किसने हराया था? ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया। समझ में आई आपको बात? द कांग्रेस को, जो कांग्रेस मतलब होता है यहाँ पे वो इंडिया वाली कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का मतलब होता है बैठक, जहाँ पे लोग मिलते हैं। ठीक है, इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, और उन्होंने ही यहाँ पे डिजाइन किया था कि आप आगे
आगे क्या होने वाला है। अब इन्होंने क्या क्या, सबसे पहले तो इन्होंने फ्रांस को इन्हें इतना कमज़ोर करना था ताकि दोबारा से नेपोलियन जैसा कोई लीडर ना बन सके। तो इन्होंने क्या किया 1815 में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द अंडरगोइंग द मोस्ट चेंजेस इन्होंने किए यूरोप में नेपोलियन वाज क्या, द बोरबोन डायनेसिटी जो थी आपकी उसको वापस नेपोलियन फ्रांस दे दिया गया नेपोलियन के हारने के बाद, ठीक है समझ में आए। जो लॉस टेरिटरीज थी उनको डिफरेंट डिफरेंट रीजंस में, द सीरीज ऑफ स्टेट, बहुत सारे स्टेट बना। अब अगर एक देश से लड़ता नेपोलियन तो एक बार में लड़ता, तो अगर वो एक दो नेपोलियन जैसा कोई दूसरा लीडर आता भी आपका तो वो क्या होता आपका एक या दो ही आपके स्टेट्स पे अटैक, तब लोग समझ जाते कि अच्छा अटैक हो रहा है वापस फ्रांस से, तो वापस उसको कब्जे में ले लेते। दस द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड जो था आपका यहाँ पे बेल्जियम आपका सेटअप कर दिया गया, आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके किंगडम्स बहुत सारे सेटअप कर दिए गए। लेकिन जो उसने वो किया था ना आपका जो इकोनॉमिक चेंजेस किए थे वो उन्होंने वहाँ पे आपके कन्वर्ट नहीं करे। उससे क्या था अभी आपके चाहे वो कंजर्वेटिज्म हो चाहे वो लिबरलिज्म हो, लोगों को टैक्स लेना ईजी पड़ गया तो लोगों ने टैक्स उसी मीडियम से लिया उसी, ठीक है ना। अब वही आपका वेट वगैरह मेजरमेंट वगैरह, लेकिन हुआ क्या लोग बोलते कुछ नहीं थे, मतलब कंजर्वेटिज्म जो थे वो आपके क्रिटिसिज्म को ज़रा भी टॉलरेट नहीं किया करते थे, लोग उनके अगेंस्ट बोल नहीं सकते थे, कोई एक्शंस नहीं ले सकते थे, तो वो चीज़ वहाँ पे आपकी आनी स्टार्ट होगी, ठीक है ठाक। खैर ये बच्चे आपका नेपोलियन के टाइम पर भी नेपोलियन ने कर दिया था, सेंसरशिप बहुत ज़्यादा लगा दी गई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ ना। अब बात आती है आपकी रेवोल्यूशनरीज़ की, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज मतलब आपका ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव एंड लिबरल नेशनलिज्म अंडरग्राउंड। अब 1815 के बाद लोगों को लगा नेपोलियन हार गया है, अब तो उनको जो कंजर्वेटिव लोग होंगे वो मारेंगे, वो सब अंडरग्राउंड हो गए। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड जो हुए हैं उसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल है आपका गुसेपी मेज़िनी का। नाउ गुसेपी मेज़िनी वो हैं जिन्होंने आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट आपके ग्रुप बनाए थे, एक इन्होंने बनाया था यंग इटली, कहाँ बनाया था इन्होंने मार्सिलिस में, जो इन्होंने इटली नाम का नेशन स्टेट बनाना था उसके लिए, और यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट नेशन स्टेट बनाने थे इन्होंने, तो उसको बर्न नाम का जगह में इन्होंने यंग यूरोप नाम का एक अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, जो कि आपके लाइक माइंडेड पीपल जो कि नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है, चाहे वो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, चाहे पोलैंड का हो, फ्रांस का हो, इटली का हो, जर्मनी का हो, मेज़िनी ने उन सबको आपका इकट्ठा किया। समझ में आई आपको बात। मेज़िनी ये समझते थे कि भगवान चाहता है कि अब मोनार्क्स ना रहें और नेशन स्टेट्स आपके बने, यहाँ तक कि इनकी इन्हीं अलाइंस के कारण ही इटली जैसा देश बन पाया। इटली तब बहुत डिवाइडेड था डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और जो मैटरनिक थे वो ड्यूक मैटरनिक जिनके बारे में पता था जिन्होंने आपके उसको होस्ट किया था, ठीक है ना, उन्होंने गुसेपी मेज़िनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर ये कहा गया था। अब वो तो कहेंगे उसको सोशल ऑर्डर के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट आपका डेंजर एनिमी, क्योंकि उनके तो जितने ही आपके क्या कहते हैं आपके मोनार्की को फैलाने वाले लोग थे उनके अगेंस्ट गुसेपी मेज़िनी खड़ा होता था। तो ये चीज़ है। तो गुसेपी मेज़िनी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है वो गुसेपी मेज़िनी वजह अगर हम बात करेंगे वजह अगर हम लेके चले यहाँ पे रेवोल्यूशनर, ठीक है, ही वाज रेवोल्यूशनरी इज पर्सन हु इंट्रोड्यूस टू सीक्रेट सोसाइटी दैट इज यंग इटली इन मार्सिलिस एंड यूरोपियन बर्न फॉर द नेशनलिज्म इन द यूरोप। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो पार्ट आपके कंप्लीट होते हैं, दो पार्ट, ठीक है। अगले जो तीन पार्ट हैं चैप्टर आपका पांच पार्ट में डिवाइडेड है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक डू शेयर डू सब्सक्राइब, पढ़ते रहिएगा। इंपॉर्टेंट हम दो लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जो हमारा थर्ड लेक्चर इसी रिगार्डिंग चैप्टर होगा उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू आपको याद करने हैं उसको हम पढ़ाएंगे। समझ में आई आपको बात, ठीक है ना। तो अब लगे रहिए पढ़ाई में, करते रहिए मेहनत, टिल देन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। टेक केयर, स्टे ट्यून, यू आर वॉचिंग ओरिजिन क्लासेस, बाय।